नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है। जिस युवक की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह युवक रेलवे ट्रैक के पटरी पर लेट जाता है। फिर क्या था, सामने से आ रही होती है तेज रफ्तार में ट्रेन और ट्रेन से कटने से युवक की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। आखिरकार इस युवक ने अपनी जान क्यों दी, यकीनन मानिए इस घटना के बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और कहां का ये घटना है। यह घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई नदनपुरा क्षेत्र का है। इस युवक का नाम इस्लामुद्दीन, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी और यह दिल्ली में काम करने के साथ बुनाई का अड्डा भी चलाता था। और इस युवक की एक लड़की से करीब 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक की प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि आधी रात में सुबह करीब 4:30 बजे चुराई पुल के पास इस्लामुद्दीन ने मुझे बहला फुसला कर घर से ले आया था और भगा कर ले जाना चाहता था, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई तो मुझे रेलवे ट्रैक की तरफ ले गया और मेरे हाथ पकड़कर रेलवे लाइन पर लेट गया। सामने से ट्रेन आती देखकर मैंने अपना हाथ छुड़ाकर भाग खड़ी हुई, जिससे मेरी जान बच गई, लेकिन इस्लामुद्दीन ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दिया। इस्लामुद्दीन के ट्रेन से कट जाने से मैंने अपने होश खवास खो दिया था, इसलिए मैं रेलवे ट्रैक के बगल में बैठी रही। और वही मृत्यु युवक के भाई का कहना है कि हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर डालकर लड़की को बैठा दिया गया है, लेकिन थाना प्रभारी सोमपाल का कहना है कि दोनों आत्महत्या के लिए गए थे, लेकिन लड़की की जान ट्रैक से भाग जाने से बच गई और इस्लामुद्दीन की मौत हो गई। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि लड़का उस लड़की से 2 सालों से प्यार करता था और लड़की को भगा के लेके जाना चाहता था, लेकिन लड़की उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो इसके चलते उसने ट्रेन से कट कर अपनी जान दे दिया। तो क्या उस युवक को ऐसा कदम उठाना चाहिए था? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कृपया प्यार में आप ऐसी गलती ना करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।